abrázame toda la noche. No nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. तो सभी प्यारे दोस्तों को मेरी हेलो एंड नमस्कार। तो फ्रेंड्स, हंगेरी के लिए 2 साल का लेटेस्ट वर्क परमिट का ऑप्शन, ठीक है जी, हर उस इंसान के लिए जिन जिन लोगों ने भी दोस्तों जेन्युइनली हंगेरी में आना है, धक्के खा के थक चुके हैं, कहीं से अप्लाई करवाया था, रिफ्यूज़ हो चुके हैं, कोई भी घरवाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है जी। हमें हज़ारों सवाल आते हैं कि सर काम नहीं बन पा रहा है, ठीक है जी। तो दोस्तों, अगर आपका काम नहीं बन पा रहा है और आप वाकई जेन्युइनली जाना चाहते हैं किसी भी शेंगेन कंट्री में, खासकर ये वीडियो होने के लिए तो हंगरी में, तो कंप्लीट वीडियो को देख लीजिएगा, आपको बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन मैं बताऊंगा। फिर जिसकी भी इच्छा हो, अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा अनुसार संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट करने का तरीका भी मैंने पहले आपको बता दूँ। जिन्होंने भी कॉन्टैक्ट करना है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर एक QR कोड शो हो रहा है, ठीक है जी। इस QR कोड पर 500 रुपीज़ आप चार्जेस पे कर सकते हैं, जो कि ऑनलाइन 30 मिनट्स की कॉल के चार्जेस हैं, ठीक है जी। कॉल बुक कर सकते हैं, अपनी आप बात कर सकते हैं और सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपकी प्रोफाइल असेसमेंट के चार्जेस भी इसमें इंक्लूड ही हैं, ठीक है। आपकी प्रोफाइल असेस की जाएगी, आप आगे की जानकारी भी ले सकते हैं और फर्दर प्रोसेस को शुरू भी करवा सकते हैं। ये कंप्लीट हमने आपको बता दिया है। जैसे ही चार्जेस पे कर ले दोस्तों, आप तुरंत कमेंट डन करके लिख दें, ठीक है जी, कमेंट में लिख दें। उसके बाद हम आपको अपना नंबर प्रोवाइड कर देंगे और आप आगे की डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं और अपनी कॉल बुक कर सकते हैं। सिंपल सा बता दिया है, 500 रुपीज़ चार्जेस हैं ओनली। अब मैं दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हंगेरी के लिए रिक्वायरमेंट आई है, ये हर उस इंसान के लिए है जो कम पढ़े लिखे हैं, जिनका बजट कम है, ठीक है, ज़्यादा पैसे भी नहीं है स्पेंड करने के लिए, ठीक है, तब भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। कम बजट का काम आया हुआ है, काफ़ी टाइम बाद दोस्तों कम बजट में काम आया है, ठीक है जी, और बहुत ही लो बजट है ये। वैसे तो हम कोशिश करते हैं कि आपका काम कम से कम बजट में जो कंपनीज करती हैं उनके साथ आपका काम शेयर करें, बट इस समय दोस्तों ये जो काम आया ये डायरेक्ट कंपनी से काम आया हुआ है, ठीक है जी। तो इसमें आपके लिए जो कॉस्टिंग है बाकी सारी हट के बिल्कुल लेस कॉस्टिंग बच जाती है। सबसे पहले दोस्तों मैं प्रोफाइल की बात करता हूँ, फिर बात करूँगा आगे और स्टेप बाय स्टेप। प्रोफाइल जो इसमें आई है दोस्तों, वो आई हुई है फॉकलिफ्ट ऑपरेटर की। फॉकलिफ्ट ऑपरेटर का दोस्तों, अगर आपके पास कोई गल्फ कंट्री का है, कहीं का एक्सपीरियंस है, तो बहुत ही बढ़िया है, आपकी सैलरी इंक्रीज होगी उससे, ठीक है जी। जो सैलरी इसमें बताई जा रही है वो अप्रोक्सीमेटली मान के चलेगा लगभग 800 से लेकर 1000 यूरो के इन बिटवीन रहेगी, मोर और लेस हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कैंडिडेट की प्रोफाइल, ठीक है जी। ये हो गई नंबर वन। नंबर टू पे तो प्रोफाइल आई हुई है दोस्तों, वो आई है इसमें किचन हेल्पर की। तो किचन हेल्पर में जो जाना चाहते हैं, यानी कि जो किचन हेल्पिंग का काम करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। इसमें भी दोस्तों जो सैलरी रहने वाली है वो अप्रॉक्सीमेटली मान के चलेगा 800 से 1000 रहने वाली है। अगेन, अगर आपके पास कोई होटल रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस है, सर्टिफिकेट अगर आप शो कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, या आपने कोई डिप्लोमा वगैरह किया है तो अच्छा है, आपके सिलेक्शन के चांसेस भी अच्छे होंगे और प्लस में आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ हो सकती है, ठीक है जी। इसके बाद दोस्तों, जो थर्ड नंबर पर जो रिक्वायरमेंट आई हुई है वो आई है इसमें कंस्ट्रक्शन वर्कर की। तो कंस्ट्रक्शन लाइन में जिन्होंने भी जाना है, ठीक है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती दोस्तों, इसके लिए कोई डिप्लोमा डिग्री कुछ नहीं चाहिए होता, सिर्फ आप हैवी वर्क करने के लिए एग्री होने चाहिए, ठीक है, फिजिकली 100% फिट होने चाहिए और आपको हैवी वर्क करने से, हार्ड वर्क करने से कोई भी परहेज नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप इसके लिए फिट हैं, तब आप कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपको लगता है कि आप फिट नहीं हैं पूरी तरीके से या इतना हैवी वर्क नहीं कर सकते हैं, तो कृपया करके इसके लिए अप्लाई ना करें, क्योंकि अगर आप अप्लाई कर लेंगे तो वहाँ जाके ये नहीं होता कि भैया हमें पसंद नहीं आया, ये नहीं हुआ, दिस एंड दैट, इस चीज़ की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की होती नहीं है, ठीक है, इस चीज़ को अपने दिमाग में रख लें। तो जिसने भी अप्लाई करवाना है, हर बंदा अपनी खुद की इच्छा से अप्लाई करता है, इसलिए बाद में कोई ये ना कहे भैया, ठीक है, कि भैया हमें तो बताया नहीं था, सब कुछ बताया होता है, ठीक है, हर चीज़ बताई होती है तभी बंदा अप्लाई करता है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट लोगों के मैं और यूट्यूबर्स के साथ सुनता हूँ कि जी सर हमें बताया नहीं था, तो भैया बिना बताया ऐसा कुछ नहीं होता, हर किसी को बताई जाती है, ठीक है जी। एक दुकान पे पेन खरीदने आते हैं तो 10 चीज़ें उसके बारे में भी इंसान पूछ लेता है, तो वीज़ा लगवाने के बारे में तो कस्टमर कितना कुछ पूछता है, ठीक है, उसके बाद कस्टमर कह दे कि भैया हमने पूछा नहीं, तो ये तो खैर हंसी की बात हो जाएगी, ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रख लीजिएगा भाई। तो साथ साथ मैं बताना चाहूँगा आपको, ये जो प्रोफाइल्स हैं, ठीक है, सैलरी लगभग इसके बराबर ही रहने वाली है। इसके बाद दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, यानी कि अपॉइंटमेंट्स रिलेटेड भी काफ़ी सारे सवाल आते हैं, उन सवालों के जवाब देने की मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। सक्सेस रेट और इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या प्रोवाइड किए जाएंगे कंपनी द्वारा। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों सक्सेस रेट की।
तो सक्सेस रेट दोस्तों इसमें डिपेंड करती है कि आप किस कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं। सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, क्या आपकी प्रोफाइल है, ठीक है जी, क्या आपकी कंपनी है। तीन मेजर फैक्टर्स ये होते हैं। अगर आपका एम्प्लॉयर बढ़िया है दोस्तों, सबसे पहले तो फैक्टर ये हो, एम्प्लॉयर आपका अच्छा है, ठीक है जी, और उसके पास काफ़ी सारे पहले से भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ठीक है, उसकी नेटवर्थ अच्छी है, तब जाके एक एम्प्लॉयर को पावर मिलती है वर्क परमिट इशू करने की, ठीक है जी, और उसका वर्क परमिट अप्रूव भी होने की संभावना रहती है। उसके बाद आती है दोस्तों कैंडिडेट की प्रोफाइल, कैंडिडेट का प्रीवियस बैकग्राउंड, ठीक है, कैंडिडेट सफिशिएंट जो अपनी स्किल में है कि नहीं है, तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। प्लस में दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन का भी पार्ट होता है, लेकिन मैंने आपको जो मेजर फैक्टर बताए हैं वो ये होते हैं। काफ़ी सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता कि वीज़ा एक्चुअल में रिफ्यूज़ होता क्यों है, तो दोस्तों एक्चुअल में जो वीज़ा रिफ्यूज़ होते हैं वो इसलिए होते हैं कि या तो कैंडिडेट की प्रोफाइल वीक है, ठीक है जी, या वो जिस कंट्री से अप्लाई कर रहा है वहाँ पे सक्सेस रेट वैसे ही डाउन हो ही पड़ी है। तीसरा फैक्टर मेजर होता है कि जो एम्प्लॉयर है जो आपको वर्क परमिट इशू कर रहा है वो स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। तो ये तीन मेजर फैक्टर होते हैं जिनके वजह से किसी भी कंट्री का या कहीं स्पेसिफिकली शेंगेन कंट्रीज़ का वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। इस चीज़ को ध्यान रख लीजिएगा, ये मैं आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, ठीक है जी। बाकी छोटे मोटे फैक्टर अलग होते हैं, उनको आप ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है जी, बाकी सारी चीज़ों से, लेकिन ये जो तीन मेजर फैक्टर हैं इनको ओवरकम आसानी से नहीं किया जा सकता। अब बात करें दोस्तों डॉक्यूमेंट क्या क्या मिल रहे हैं कंपनी से आपको, अकोमोडेशन लेटर, ठीक है, इसके साथ साथ आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जिसे आप वर्क परमिट कह सकते हैं, प्लस एम्प्लॉयमेंट लेटर तो जिसे आप जॉइनिंग लेटर भी कह सकते हैं। तीन चीज़ें दोस्तों आपको कंपनी द्वारा मिलती हैं, ठीक है, ये तीन चीज़ें सबमिट होती हैं आपके यानी कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट्स के साथ, और उसको सबमिट करवाने के बाद एम्बेसी डिसीजन लेती है। एम्बेसी का जो डिसीजन टाइम है दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली 30 से लेकर 35 दिन का टाइम मान सकते हैं आप, मोर लेस हो सकता है अगेन किस कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं मैंने आपको बताया है, ठीक है जी। तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं, फिर भी फास्ट प्रोसेस है इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। अप्रॉक्सीमेटली इसका प्रोसेस टाइम 3 महीने का होता है, फिर भी डाउन और लेस हो सकता है मैंने आपको बताया कंट्री के अकॉर्डिंग। सक्सेस रेट दोस्तों इसकी जो है अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिएगा, अगर आपका सब कुछ ओके ओके है तो 80% से अच्छी सक्सेस रेट इसकी जा रही है, यानी कि मोर देन 80% सक्सेस रेट है इसकी, ठीक है। लेकिन उस एवज में जब आपके सारे पैरामीटर्स चेकलिस्ट में अप्रूव हैं, ठीक है, और कोई भी कमी नहीं है, उस केस में मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वीज़ा है भाई, रिजेक्ट भी हो सकते हैं, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। वीज़ा में 100% गारंटी वारंटी कुछ भी नहीं होती। काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर गारंटी है, तो भैया गारंटी वारंटी कुछ नहीं होती, और हर काम स्टेप बाई स्टेप पेमेंट के साथ होता है। ये मत सोचिएगा कि भैया फ्री में कुछ काम होता है, फ्री में दुनिया में कुछ भी नहीं होता, तो वीज़ा कैसे लग सकता है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भी कोई छोटा मोटा क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मैं मिलूंगा आपको अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार।